श्री हनुमान जी महाराज की। गौ माता की, गंगा महारानी की, काशी विश्वनाथ भगवान की, गौरा महारानी की, श्री गणेश जी महाराज की, सरस्वती मात की, खेड़ापति सरकार की, संत सदगुरुदेव गौ माता की, चिंता संतान हंतार यत्पदान रेणवा श्री अनंतनीज चार्यानम प्रणमामि मोहम महा। यदनुग्रहतो जंतुहा सर्वदुखातिवो भवे तमं सर्वदा वंदे श्रीमद्वल्लभ नंदन। अज्ञानतिमिराघास ज्ञानजयशलाकया चक्षुरनमीलितेन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदयेश लीलाक्षरदेशैलम् लक्ष्मीसहस्रलीलाम्भिः सव्यमानं कलानिधिं चतुर्भीष्वत्रिविस्तवा षड्भुजायते योऽस्व पञ्चधा हृदये नमः। बोल सीताराम सरकार की। श्री रामचंद्र भगवान की। श्री हनुमान जी महाराज की। आइए आसन लीजिए, पवन पुत्र हनुमान सब परिवार पधारिए, सदा करो सदा करो कल्याण। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। प्यारे राम दशरथ दुलारे राम। Thank you.
सीताराम सरकार की जय। हर हर महादेव। बहुत कम योग संजोग ऐसे रहते हैं कि भगवान की पावन कथा किसी विद्यालय में श्रवण करी जाए। बहुत कम कम कहीं प्रभु राम की कृपा और हम तो कहेंगे स्वर्गीय श्री बलराम कुंवर जी अग्रवाल जिन्होंने नहटोर नगर में इस पुण्यमय नगरवासियों के लिए विद्यालय का जो भाव है उनके धर्म पत्नी और बच्चों ने जो अग्रण्यता प्राप्त करी है और सरस्वती विद्या मंदिर जो संचलित हो रहा है चल रहा है ये कहीं परमात्मा की कृपा से ही संभव है। प्रभु की 1996 से लगातार ये विद्यालय निरंतर चल रहा है और जिसमें हजारों बच्चे विद्वत्ता को प्राप्त करते हैं और एक अच्छी जगह पर बच्चे पहुंचते हैं। उसी के इस पावन प्रांगण में राम कथा सुनने का सौभाग्य है अपना। पर निवेदन है कथा श्रवण तो करें पर ऐसी कथा ना सुने कि ये कान से सुनी ये कान से निकाल दी बची कुची थी कपड़े में से झटका दी। घर पहुंचे परिवार वालों ने पूछा कहां गए थे, कहा राम कथा में गए थे। क्या लाए, क्या लेकर आए हो, तो बस थोड़ा सा प्रसाद का दोना हाथ में दे दिया कि हम ये लेकर आए। अब गए थे कथा सुनने के, ग्रहण करना थी कथा, पर लेकर केवल एक प्रसाद का दोना हम पहुंच जाते। बहुत कठिन है हमारा, राम जी का जो जन्म है वो सातवें नंबर का प्रागट्य है। 24 अवतार में राम जो अवतार है वो सातवें नंबर का है, सातवें नंबर। और तुलसी बाबा ने रामचरितमानस में कांड भी सात लिखे हैं और शास्त्रीय संगीत के सुर भी कितने हैं, सात। जिस पर्वत को भगवान कृष्ण ने अपनी उंगली पर उठाया वो पर्वत भी सात कोस का। भगवान कृष्ण ने जब पर्वत को अपनी उंगली पर उठाया तो भगवान की उम्र भी सात वर्ष की और पर्वत उठाया मेरे कृष्ण ने तो सात दिन के लिए उठाया। और मनुष्य शरीर का जो जीवन है वो भी सात दिन का है, केवल सात दिन। अपना जन्म कितने दिनों में हुआ, अरे बोलो तो, रविवार सोमवार मंगल बुध गुरु शुक्र शनि ये सात। मरोगे कितने दिन में, अरे बोलो जम के बोलो जरा, ये सात। कोई अलग से दिन निकल कर नहीं आने वाला अपने को जाने के लिए, केवल सात दिन। रविवार को जन्म हुआ, सोमवार को बड़े हुए, मंगलवार को ब्याह हुआ, बुधवार को बच्चे हुए, गुरुवार को बीमार पड़े, शुक्रवार को हॉस्पिटल गए, शनिवार को सीताराम हो गए। दिन तो वैसे ही निकल गए, भगवत भजन तो हम कर ही नहीं पाए, राम कथा का स्मरण तो हम कर ही नहीं पाए।
और जिसलिए हमारा जन्म हुआ था, मनुष्य की देह जिस कारण हमको प्राप्त हुई थी। महाराज माँ के गर्भ में उल्टे लटके हुए थे, दोनों मुष्टिकाएं बंद थी और भगवान से निवेदन किया था, मुझे माँ के गर्भ से बाहर निकाल दे, मैं तेरा भजन करूंगा, भजन करूंगा, भजन करूंगा। और जैसे ही गर्भ से बाहर निकला, मैं तो भोजन करूंगा, भोजन करूंगा, भोजन करूंगा। भजन गायब हो गया, भोजन चालू हो गया। और तीन बार भोजन, भजन एक बार, और उसमें भी उलझन आती है बार बार। जिमने बैठो, भोजन करने बैठो, कोई नहीं आएगा, पर थोड़ी देर भगवान का भजन करने बैठो, थोड़ी देर राम कथा श्रवण करने बैठो, थोड़ी देर भगवत नाम का कीर्तन करने बैठो, एक माला लेकर जरा 15 मिनट बैठो, उतनी देर में सब आ जाएंगे, सब्जी वाला, दूध वाला, भाजी वाला, तरकारी वाला, सब उसी समय पर आने वाले। आप थोड़ी देर भगवान का भजन करके तो देखो। कई कई लोग तो भगवान का भजन करते करते भी पूरा काम निपटा लेते हैं। एक चालीसा चालू करते हैं, वो 25 बार बखान लेते हैं, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीति उजागर, राम दूत अतुल बलहमंजन पुत्र पवन सतनामा, महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति, पूरी चालीसा चलती रहेगी और काम चलता रहेगा। देख ले उसके पास सब्जी हो तो ले ले, आधा किलो गिलकी ले ले, आधा किलो लोकी ले ले, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीति उजागर, राम दूत नमन, फिर चालू हो गया। अरे उधर से पोछा लगाती लगाती इधर ला, झाड़ू लगाती उधर ले जा, जय हनुमान। हनुमान जी भी सोच रहे कब चालीसा पूरी करेगी, मेरे को दूसरे के घर जाना। हनुमान जी ये विचार में पड़े, इसकी चालीसा पूरी हो, मैं दूसरे के घर जाऊं, पर ये चालीसा पूरी कर, जहां से चालू करती है वहीं पर वापस आके खड़ी हो जाती है, कठिन काम। फिर मनुष्य का देह मिला, मानव का शरीर बड़ी आलस से परिपूर्ण है, मनुष्य का शरीर महाराज बड़ी आलस से परिपूर्ण, और इसमें सबसे ज्यादा आलसी पूरी इंद्रियों में, 5 कर्मेंद्री, 5 ज्ञानेंद्री और 1 मन, इन 11 इंद्रियों में सबसे ज्यादा आलसी अगर कोई है तो वो जिभ्या है, सबसे ज्यादा आलसन है। राम नाम के आलसी खाने के होशियार, और तुलसी ऐसे जीव को बारंबार दिखता, सबसे ज्यादा आलसी ने ये जीवान। थोड़ी देर राम राम भजती है, इससे कहो कि राम भज तो सो जाती है, चुप हो जाती है, मौन हो जाती है, और इससे कहो जरा सा भोजन कर ले तो सारा स्वाद पूरे मोहल्ले को बताती है। हम शादी में गए थे, दही बड़ा इतना जोरदार बना था, रसगुल्ला इतना स्वादिष्ट था, अरे मोहन थाल ऐसा बना था, और जब राम का नंबर आ जाए थोड़ी देर राम राम भजन न। बोल मेरी जीवा हरी हरी, दस दस भोजन पान करे और राम नाम ने मरी मरी। बोल मेरी जीवा, अरे बोलो तो हरी हरी, अभी भी मरी मरी कि हरी हरी हरी, बड़ी आलस। अपनी राम कथा को अपने किस स्कूल से चालू कर रहा है। एक टीचर ने सारे स्टूडेंट से कहा, बच्चों से कहा, सुनो कल चूहा बिल्ली कुत्ता और गाय का चित्र बनाकर लेकर आना। चूहा बिल्ली कुत्ता और गाय का चित्र बनाकर लेकर आना। सारे स्टूडेंट सारे बच्चे चित्र बनाकर लेकर आए। बच्चों ने कहा यस सर, मंजूर है। गए। एक बहुत आलसी बच्चा था, इतना आलसी, और यहाँ टीचर बैठे हुए हैं, स्टूडेंट भी बैठे हुए हैं, तो टीचरों को तो मालूम रहता है कि पूरी क्लास में सबसे ज्यादा आलसी कौन सा स्टूडेंट है, कौन सा बच्चा, टीचर को ये भान रहता है। बहुत आलसी बच्चा, चूहा बिल्ली कुत्ता और गाय का चित्र बनाकर लेकर आना। यस सर। सारे बच्चे घर गए, ये भी घर चले गया, सारे बच्चों ने चित्र बनाया, ये आराम से जाकर खेलने में कूदने में और सो गया। और कल क्लास में आए, टीचर ने कहा सब चित्र बना कर लाए। यस सर। सबने हाथ उठाया, सब लाइन से बैठे हुए थे, टीचर एक एक की कॉपी चेक करते करते आया, इसके पास पहुंचा जो आलसी था। तुमने चित्र नहीं बनाया? बनाया ना सर। कहाँ है सर? वो चित्र तो बनाया था, फिर मैंने चूहे का चित्र बनाया, और चूहे का चित्र बनाया, इसके बाद में मैंने बनाया बिल्ली का चित्र, तो जो बिल्ली थी वो चूहे को खा गई। अब आलसी बच्चे की होशियारी देखिए, बिल्ली चूहे को खा गई। अच्छा, तो बिल्ली कहाँ है सर? बिल्ली भी बनाई थी,
उसके बाद में जो कुत्ता बनाया वो बिल्ली को खा गया। टीचर को क्रोध आया, सर को क्रोध आया, अरे तो कुत्ता कहाँ है? सर कुत्ता भी बनाया था, पर जब गाय बनाई तो गाय के सींग देखकर कुत्ता भाग गया। अच्छा अच्छा चल बता, अच्छा अब गाय कहाँ गई तू ये बता दे। तेरी कॉपी तो खाली की खाली है पूरा। सर गाय भी बनाई थी, वो पड़ोसी है ना भैरू सिंह, वो हरी हरी घास लेके जा रहा था, गाय उसके पीछे चली गई। बस जैसा वो स्टूडेंट, जैसा वो बच्चा आलसी खा रहा है, जैसा वो बच्चा आलस में बोल रहा है, बस हमारा भी जीवन उसी तरह है। महाराज हम भी उसी तरह पर हैं। राम कथा हो रही है, सूचना मिली कि राम कथा हो रही है, विचार करा आज पहला दिन है, चलेंगे कल। फिर मन में आया कल आ रहे थे तो फिर मन में विचार कर आप परसों चलेंगे, आप परसों के दिन को आराम से श्रवण करेंगे, समय निकाल के चलेंगे। हम भी बस यही विचार में रह गए। बचपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया, बुढ़ापा देख कर रोया, सिराने मौत हंसती है। बचपन हमने यही गवा दिया, जवानी गवाई, अधेड़ी गवाई, भोग विलास में निकाल दी, आया बुढ़ापा, अंतिम समय में रोने को आया, नेत्रों में जल भर गया। मनुष्य का शरीर मिला था भजन करने के, भोग और विलास में निकाल दिया। महाराज भगवान भी पूछेगा नेहटोर में जन्म हुआ था क्या कर रहा था, जाकर पूछेगा वो। महाराज खूब भोजन करा, खूब खाया पिया और सोए, चक्कर चक्कर भजन किया नहीं। इंद्रियां दी थी, पांच कर्म इंद्री, पांच ज्ञान इंद्री और एक मन प्रदान करा था, चित्त वृत्ति दी थी कुछ भगवत भजन करने के लिए, नाम जाप करने के लिए, नाम स्मरण करने के लिए, किया नहीं। महाराज ये कथा, ये सत्संग, राम कथा, भजन कीर्तन जो रखा जाता है, केवल मनुष्य शरीर को परमात्मा तक ले जाने के लिए। आज का समय बड़ा विचित्र समय है, बड़ा विचित्र समय। सतयुग में यज्ञ कर भगवान को प्रसन्न किया जाता था और भगवान मिल जाता था। त्रेता में अनुष्ठान कर भगवान को प्रसन्न कर लेते थे, द्वापर में दान कर भगवान को प्रसन्न कर लेते थे, पर कलयुग केवल नाम धारा और सुमर सुमर नर उतर ही पारा। कलयुग केवल कलयुग केवल नाम धारा सुमर सुमर नर उतर ही पारा। कलयुग केवल नाम आधारा सुमर सुमर नर उतर ही पारा। सुमर सुमर नर उतर ही पारा, सुमर सुमर नर उतर ही पारा। सुमर सुमर नर उतर ही पारा, सुमर सुमर नर उतर ही पारा। ओ मंगल भवन या मंगल हारी, त्रिभु सुदशरथ अजर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी, त्रिभु सुदशरथ अजर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। कलयुग में केवल एक नाम आधार की शिला को रखकर कलिकाल में भगवत भजन को कर जीव पार उतर सकता है, केवल एक नाम। और तुलसीदास जी ने ये नहीं लिखा कि कलयुग केवल राम आधारा, राम नहीं लिखा,
तुलसीदास जी को ये मालूम था, इसलिए उन्होंने चौपाई में लिखा कलयुग केवल नाम धारा, राम नहीं लिखा। तुलसीदास जी को मालूम था मृत्यु लोक में जन्म लिया, पृथ्वी पर पैदा हुआ है, तो ना जाने कौन कौन सा भजन करेगा, इसका कोई ठिकाना नहीं है, किसी का भी कर पर कट तो सो, इसलिए नाम लिखा। नाम फिर भी दुनिया के लोग इतने विचित्र हैं, 33 कोटि देवता पृथ्वी पर हैं, कितने हिंदू धर्म के लिए 33 कोटि देवता, हिंदू धर्म के लिए 33 करोड़ देवी देवता हैं, और इतने देवी देवता होने के बाद में भी लोग अपने देवी देवता को छोड़कर दूसरे देवी देवता को मनाने के लिए जाते हैं, तो भगवान को भी आश्चर्य होता है कि मुझे छोड़कर दूसरे को मनाने जा रहा है। कितनी पुराने कितने शास्त्र सबकी रचना, कितने पुराने। कई लोग हमसे कहते हैं महाराज जी आप राम कथा करते हो, आप भागवत कथा करते हो, आप शिव कथा करते हो, राम कथा में राम की महत्वता, शिव कथा में शंकर की महत्वता, कृष्ण कथा में कृष्ण की महत्वता, देवी भागवत में देवी की महत्वता, स्कंद पुराण में स्कंद की महत्वता, अग्नि पुराण में अग्नि की महत्वता, वायव्य में वायव्य की, सबकी अलग अलग महत्वता वर्णन करी गई। इतने सारे देवता में हम किसका भजन करें, तो रामचरितमानस कहती है महाराज भोजन करने जाओ, बफेट में जाओ, शादी में जाओ, ऐसे स्टॉल लगे रहते हैं, कहीं गुलाब जामुन, कहीं दही बड़ा, कहीं छम्मक लड्डू, कहीं पर पानी पतासा, तुम्हारी मर्जी पड़े सबको चखो, सबको चखो। पर आपका भी तो मन करता होगा कि इतने सारे स्टॉल में कौन सा स्टॉल तुम्हें ज्यादा पसंद आया। अरे बोलो तो सही, सही है कि गलत है, कोई एक स्टॉल तो पसंद आता होगा, फिर जो स्टॉल ज्यादा पसंद आता है वो आइटम ज्यादा निपटा जाते, वो आइटम ज्यादा खाते, दही बड़ा पसंद आया तो दही बड़ा ज्यादा, अगर रोटी या छम्मक लड्डू जो तुम्हें पसंद आ रहा है उसको ज्यादा खाया आपने, उसको ज्यादा पाया आपने, जो ज्यादा पसंद आया उसको ज्यादा पाया गया। उसी तरह शास्त्र कहता है 33 कोटि देवताओं में, 33 करोड़ देवी देवताओं में, हिंदू धर्म में जो इतने देवता है सबको भजन करो, सबका स्मरण करो, पर याद रखो मन में एक जिसको ज्यादा अपने से रुचि हो और आप जिसको ज्यादा भज सके, जिसका स्मरण आप कर सके, उसको भजन करो, उसका भजन। और एक बार उस चित्त वृत्ति में अगर परमात्मा समाहित हो गया तो संत नामदेव जी महाराज का चरित्र याद करना, नामदेव जी को कुत्ते में भी भगवान का दर्शन होता है तो वो परमात्मा का दर्शन हो जाएगा, वो परमात्मा सहजता से। और ज्ञान तुलसीदास जी महाराज ने रामचरितमानस की रचना 80 वर्ष की आयु में करी है, कितने साल के थे जम के तो बोलो, 80 वर्ष। और शास्त्र कहता है ये जो उम्र होती है इस उम्र में तो और परिवार के प्रति आसक्ति बढ़ती चली जाती है, बचपन में तो व्यक्ति आसक्तियों को छोड़कर चलता है, पर जैसे जैसे अवस्था बढ़ती है, बचपन गया जवानी आई, जवानी में और थोड़ी आसक्ति बढ़ी, जवानी से अधेड़ी में आई, अधेड़ी में और आसक्ति बढ़ी, और जैसे जैसे बुढ़ापा आता है ना व्यक्ति की, वैसे वैसे आसक्ति और बढ़ जाती है, परिवार का मोह। ये बूढ़ी बूढ़ी माताएं यहां पर बैठी हुई हैं, अगर बुजुर्ग माताओं से पूछा जाए एक बार कि तुम सबसे ज्यादा सुखी कब थी, तो बूढ़ी माताएं एक ही बात कहती हैं, महाराज बच्चे छोटे थे, कुछ भी खिला दो, कैसे भी पटक दो, कुछ भी पिना दो, सबसे ज्यादा सुखी थी। तो अब तो तुम्हारी बहुएं आ गई, अरे महाराज बस पूछो ही मत, जब से जगदम्बा होन आई है तब से घर को कंकाल कर, सुकून चल जाए, शांति चल जाए, सुख गया हमारा। पहले तो जवान अवस्था थी तो कभी भी दौड़कर मायके चली जाती थी, और तुम देखो एक बहू और एक सास
दोनों में सबसे ज्यादा मायके कौन जाती है? बहू, सास अपनी बेटी ले जाती है। वो सोचे भी तो घर नहीं छूटता ना, परिवार नहीं छूटता, आसक्ति नहीं छूटती, क्योंकि आसक्ति बढ़ रही है। जैसे जैसे बुढ़ापा बढ़ता है वैसे वैसे आसक्तियां बढ़ती चली जाती हैं। काम, लोभ, विषय, वासना, तृष्णा, और सबसे ज्यादा अगर कुछ बढ़ती है तो तृष्णा बढ़ती है। मेरा घर, मेरा परिवार, मेरा कुटुंब, मेरा कबीला, और कई कई बार तो सासन चिल्ला करके देती है, मैं जिंदा हूँ इसलिए घर चल रहा है। जिस दिन मैं मर गई आटे का भाव मालूम पड़ जाएगा, तो जो डोक ली ऐसा बोले तो उससे आधे घंटे मर जा, आधे घंटे मरो। कई कई माताएं कह रही थी, कई पुरुष लोग कह रहे थे, कई लोग कह रहे थे, वो तो मैं हूं इसलिए घर चल रहा है, वो तो मैं हूं इसलिए ऐसा चल रहा है, वो तो मैं हूं इसलिए कर रहा हूं। तो आधे घंटे मर के देख ले, तू है तो चलेगा कि नहीं चलेगा, और नहीं है तो चलेगा कि नहीं चलेगा। अरे बोलो तो सही है कि गलत है? वो तो तुम हो तो भी चल रहा है, और नहीं होगे तो भी चलेगा, बस अंतर इतना है कभी घी घना तो कभी मुट्ठी, इससे ज्यादा कुछ नहीं होने वाले। फालतू की बात छोड़ दो, एक सेठ जी हमेशा कहते थे, मैं मर जाऊंगा तो मेरे पीछे मेरी पत्नी मर जाएगी, मुझे इतना चाहती है। मैं मर गया तो मेरे पीछे पूरा परिवार मर जाएगा, मेरा बेटा मर जाएगा, मेरी बहू मर जाएगी, मेरा पोता मर जाएगा, इतना मुझे चाहते हैं। एक संत निकल कर जा रहे थे, हरी शरणम करते, भगवत भजन करते करते संत गए। संत ने कहा, क्या बात है सेठ जी? सेठ जी बोले, मेरा परिवार मुझे बहुत प्रिय, मेरा बेटा, मेरी पत्नी, मेरा परिवार मुझे अति प्रिय। तो इतने में संत तो संत होते और संत बड़े बड़े, उनने कहा, सेठ जी आप कह रहे हो कि अगर आप मर जाओगे तो पूरा परिवार मर जाएगा, तो एक बार मुझे देखना है ये सब। सेठ जी एक काम करो ना, आधे घंटे मर जाओ। सेठ जी बोले, कैसी बात करते हो गुरु जी, कोई आधे घंटे के लिए मरता है क्या? सेठ जी बोले, ऐसा आधे घंटे के लिए कोई मरता है? इतने में संत बोले, एक काम करो सेठ जी, तुम तो बस मर जाओ, ऐसे पानी पीते पीते लुढ़क जाओ, मैं डॉक्टर से कहलवा दूंगा तुम मर गए, बस मुझे तुम्हारी पत्नी और बच्चों को देखना है कि तुम्हें तुम्हारे पीछे मरते कि नहीं मरते, बस इतना देखना, तुम तो मर। सेठ जी बोले, कैसी पागलों जैसी बात कर रहे हो गुरु जी, और मैं अगर पानी पीते पीते लुढ़क गया और मर गया, मान लो मैंने नाटक भी किया, और मेरी पत्नी और बच्चों को कुछ हो गया, तो संत बोले ये मेरी गारंटी, तुम तो लुढ़को। अगर गुरु जी मेरे बच्चों और पत्नी को कुछ हो गया, तो गुरु जी बोले मेरी गारंटी, तो लुढ़क जल्दी, लुढ़क ले पानी पी, जल्दी लुढ़क, और कुछ हो गया, अरे मैं बैठा हूं ना, तू तो लुढ़क। और सेठ जी ने पानी पिया और चक्कर खा के नीचे गिर गए। संत ने फोन लगाकर डॉक्टर साहब को बुलाया, डॉक्टर साहब आए, 2000 रुपए पकड़ाए, डॉक्टर साहब से कहा कि मर गया तू तो बोल। और डॉक्टर साहब ने कह दिया, सेठ जी तुम मर गए, ने पत्नी धाड़ धाड़ के रोई रे, ऐसी ऐसी डिजाइन में रोई, पूछ मत। सेठानी बोली, गुरु जी सेठ जी चले गए, मुझे बताकर भी नहीं गए, बताओ गुरुजी से गुरुजी बोले, मत रो सेठानी, मेरे पास एक ऐसी बूटी रखी है, तू खाएगी, तू मर जाएगी, सेठ जी जिंदा हो जाएंगे। इतने में सेठानी रोती रोती बोली, उनकी तो उम्र हो गई थी, सेठ जी के गुस्सा आया, और सेठ जी तो उठने वाले थे, इसमें इतने में गुरु जी ने चिमटा खोल दिया, पड़े थे चुपचाप, अभी तो कह रहा था पत्नी मर जाएगी, पड़े पड़े सेठ जी पड़े। बेटा रो रहा था, तू काहे को रो रहा है? मेरा पिताजी चले गया, तो ये भी नहीं बताया कौन से कितना लेना था, बाप के चक्कर आ गया, बताओ यहां बाप मरा पड़ा, इसके लेनदारी के पहले पड़ गए। अब तो सेठ जी उठने वाले थे, इतने में तुरंत गुरु जी बोले, काम कर, तू खा ले, तू खाएगा तू मर जाएगा, तेरा बाप जिंदा हो जाएगा, तेरा पिता जिंदा हो जाएगा। इतने में बच्चा रोते रोते बोला, पिताजी कह रहे थे अब तो तुझे ही संभालना है, बेटा मेरी तो उम्र हो गई, छोटा सा पोता था बहू का लड़का, वो रो रहा था। सेठ जी ने पूछ, संत ने पूछा, तू क्यों रो रहा है? मेरे दादाजी चले गए, मुझे कुरकुरा कौन दिलाएगा, अब मुझे टॉफी कौन दिलाएगा, तो एक काम कर, ये बूटी तू खा ले, तू खाएगा तू मर जाएगा, तेरा दादा जिंदा हो जाएगा। इतने में पोता रोते रोते बोला, गुरु जी तुम्हारे कोई आगे नहीं, तुम्हारे कोई पीछे नहीं, तुम नहीं खा लो। सब मिलके गुरु जी को वो बूटी खिला रहा है, पर घर का एक नहीं खा रहा, ये
वाह वारी दुनिया मतलब की दुनिया में किसी का कोई ये जितने नजर आ रहे हैं तुमको अपने ये सब धन के मीत संपदा के मीत सत्ता के मीत बाकी के समय पर कौन जाएगा तुम्हारे साथ पत्नी परिवार प्राण छूटने के बाद घर तक साथ देते हैं कहां तक घर तक मोहल्ले के लोग गांव के लोग शमशान तक साथ देते हैं पर शमशान के बाद में जब चिता पर लेटाया जाता है आग लगाई जाती है तब एक ही साथ देता है जो तुमने ये राम का भजन करा जो तुमने ये कथा सुनी जो भगवत नाम का जाप करा बस अंतिम क्षण में चिता पर आग लगेगी परिवार वाले पीछे हटेंगे तब वही राम तुम्हारे साथ में अंतिम समय में इस आत्मा के साथ में परमात्मा लेकर जाएगा अंतिम क्षण और भले तुमने लाखों रुपए परिवार में खर्च कर दिए पर सही मायने का खर्च तो परमात्मा की कथा सत्संग भजन जैसा उम्र निकल गई फिर वही बात आ गई ना राम नाम लीनो तूने भरी जवानी में तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी पूरी अवस्था गवा दी बचपन गवा दिया जवानी गवा दी अधेड़ी गवा दी पूरा जीवन निकल गया अब बुढ़ापा आ गया ना पांव साथ दे रहा है ना हाथ साथ दे रिया ना मुंह साथ दे रिया ना कानों से सुनाई दे रिया अब बच्चों से कह रही रे ए मुझे सरस्वती विद्या मंदिर ले जा मैं राम कथा हो रही आज की औलाद ये कुत्ते को घुमाना पसंद करे पर डोकरे डोकरी को नहीं कौन छोड़ेगा तुमको कौन छोड़ेगा इसलिए मौका मिला है मौका मिला है विद्यालय में राम कथा हो रही है छोड़ना नहीं है यही तो साथ जाने वाला है बाकी का तो सब छूट जाएगा क्या वो छूट ज्ञान कभी भी प्राप्त हो सकता है तुलसी बाबा ने 80 वर्ष की आयु में 80 वर्ष की आयु में तुलसीदास बाबा रामचरितमानस की रचना करे केवल एक क्षण का ज्ञान तुलसीदास बाबा के जीवन में मिला पत्नी का मोह इतना प्रबल था कि पत्नी से मिलने के लिए उसके मायके पहुंच गए इतना आसक्ति इतना मोह था देखा तक नहीं मुर्दे पर पकड़कर मुर्दा तैर रहा था पानी में उसी को पकड़कर चले गए सांप लटक रहा था उसी को रस्सी समझ कर चढ़ गए इतनी आसक्ति इतना मोह था और याद रखना जब मोह अंत में सबसे बुरा होता है और मान लो कभी कभी सत्कर्मी आनंद सुख से परमात्मा अगर मार्ग प्रशस्त कर दे तो वो मोह टूट जाता है जैसे ही बाबा ऊपर गए तुलसी और उसी समय धर्म पत्नी ने कह दिया इतनी आसक्ति तुम्हारी मुझ में है इतनी आसक्ति अगर मेरे राम में होती तो जीवन समर जाता तुलसी उस दिन से तुलसी नहीं रहे केवल तुलसी ना रहकर तुलसी दास हो गए छोड़ दिया परिवार नाते रिश्ते कुटुंब कभी छोड़ा खूब कमाया खूब और एक बात याद रखिए दुकान पर बैठकर कमाते हो तुम अपनी पत्नी और बच्चों के लिए कमाते हो सर्विस कर कमाते हो तो अपनी पत्नी और बच्चों के लिए कमाते हो नौकरी कर रहे हो तो पत्नी और बच्चों के लिए कर रहे हो मेरे बच्चे को अच्छे नंबर से पढ़ाऊंगा अच्छे स्कूल में पढ़ाऊंगा पत्नी को कुछ सामग्री ला कर दूंगा अपने पत्नी अपने बच्चों के लिए करा कपट करा तो पत्नी और बच्चों के लिए झूठ बोला तो पत्नी और बच्चों के लिए बेईमानी करी तो पत्नी और बच्चों के लिए कपट प्रपंच झूठ छल सब तुमने करा और अंतिम समय में जब प्राण छूटे यमराज की कैद जब चढ़ोगे तो यमराज बंदी बनाएगा तो रोगे चिल्लाओगे पड़कोगे और कहोगे मैंने तो कमाया था पत्नी और बच्चों के लिए अगर उनके लिए कमाया झूठ उनके लिए बोला प्रपंच उनके लिए करा छल उनके लिए करा बेईमानी उनके लिए करी तो नरक भी तो उनको भोगो उनको भेजो तो इतने में धर्मराज भी कहेगा झूठ तूने बोला कपट तूने करा बेईमानी तूने करी प्रपंच तूने करा तो नरक भी तू भोगेगा ना पत्नी भोगेगी ना बच्चे इसलिए धर्म पत्नियों से निवेदन है सावधान तुम तो अलमस्त रहो तुम्हें टेंशन की जरूरत नहीं है तुम काय को टेंशन लेते
जो झूठ बोले वो जाने, जो छल करे वो जाने, जो कपट करे वो जाने, जो बेईमानी करे जो जाने, वो प्रपंच करे। कभी धर्म पत्नी ने अपने पति से एक बार भी नहीं कहा कि तुम झूठ बोलकर कमाना। पूरे विश्व की नारियों को इकट्ठा करिए और एक बार इंटरव्यू लीजिए, कोई पत्नी अपने पति से नहीं कहती कि तुम बेईमानी करके कमाना। क्यों? क्योंकि वेद व्यास जी ने पत्नियों के नाम के आगे धर्म लिखा है। क्या नाम लिखा? धर्म पत्नी। क्या लिखा? जम के बोलो जरा, धर्म पत्नी। पर पतियों के नाम के आगे कभी लिखा धर्म पति? अरे बोलो तो, कहीं वेद व्यास जी ने लिख दिया हो, किसी चौपाई में तुलसी बाबा ने लिख दिया हो, कहीं किसी वाल्मीकि बाबा ने वर्णन कर दिया हो, किसी जगह पर नहीं लिखा धर्म पत्नी, पर तुम्हारी नाम के आगे लिखा धर्म पत्नी। धर्म पत्नी इसलिए लिखा कि पति कमाई करके लाएगा, झूठ बोलकर लाए, बेईमानी करके लाए, छल करके लाए, कैसी भी कमाई लाएगा, पर पत्नी के हाथ में देगा। और पत्नी का फर्ज है उसकी कमाई में से थोड़ा सा निकालना, कहीं राम कथा में, कहीं सत्कर्म में, कहीं ले जाकर लगा देना, तो पति को भी वैकुंठ ले जाना और खुद भी चली जाना। तुम्हारे नाम के आगे धर्म लिखा, पर पत्नी ने कमाई में से निकाला तो सरी, पर सब डेंटिंग पेंटिंग में ले जाके लगा दिया, धर्म में एक रुपया ना लगा। तो हम तो डूबे सनम, तुमको भी ले डूबे, दोनों ही गए। पत्नी धर्म पत्नी और पति पति है। धर्म की पत्नी कभी नहीं कहती पति से कि तुम बेईमानी करो। बेटा कभी नहीं कहता बाप से कि पापा मेरे को अच्छा पढ़ाने के लिए, मुझे ऊंचा पहुंचाने के लिए तुम बेईमानी करना, छल करना, कपट करना, कभी नहीं कहते, कभी नहीं कहते। वो तो कहते हैं पापा काम ऐसा करना कि जिंदगी में नाम हो। महाराज हम पहले भी कथाओं में कई बार कह चुके, आज फिर इस नेटोर की भूमि पर कह रहे हैं, राम से नहीं डरना मत डरो, माता पिता से नहीं डरना मत डरो, गुरु और शिष्यों से नहीं डरना मत डरो, वेद और पुराण से नहीं डरना मत डरो, राम कथा से नहीं डरना मत डरो, भगवान से नहीं डरना मत डरो, गंगा यमुना सरस्वती से नहीं डरना मत डरो, अपने पति से नहीं डरना मत डरो, पत्नी से नहीं डरना मत डरो, घर के बुजुर्गों से नहीं डरना मत डरो, घर के बड़ों से नहीं डरना मत डरो, पर अपने कर्मों से जरूर डरना, क्योंकि कर्म का भोग तो परमात्मा को भी भोगना पड़ता है। अपने कर्म से जरूर डरना कि हम मृत्यु लोक में कैसे पैदा हुए और हमारा कर्म हम कर क्या रहे हैं, हम कितना कर्म कर रहे हैं। कर्म का भोग तो परमात्मा भी भोगता है। सीता जी ने एक चिड़िया को कैद में रखा तो उनको कैद में रहना पड़ा। राम जी महाराज ने बाली को छुपकर मारा था तो उस बाली ने कृष्ण अवतार में जरा नाम का व्याघ बनकर छुपकर मार दिया। कर्म का भोग तो भोगना पड़ेगा। गांधारी ने जब पूर्व समय में राजकुमारी थी, सुंदर बनने के लिए 100 केचुओं को पिसवाकर उसका मल्लम बनाकर शरीर पर लगाया था कि मैं कभी बूढ़ी नहीं हूं, तो वो 100 केचुए उस राजकुमारी गांधारी के गर्भ से पैदा हुए थे, 100 पुत्र उसके सामने पिसे, उसके सामने मरे। कर्म का भोग तो भोगना पड़ेगा, बिगर भोगे रह नहीं सकते। इसलिए निवेदन है, मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। बड़ा कठिन है वचन। लोग कहते हैं राम कहाँ है, लोग कहते हैं भगवान कहाँ है, हम कहते हैं चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा बच्चा बच्चा राम है, हर जगह पर वही तो है। हर जगह वो कहां नहीं, सर्वस हर जगह पर विराजमान, उसको ढूंढने का प्रयास कर, परमात्मा को पाने का प्रयास करिए। तुलसी बाबा को एक क्षण का ज्ञान मिला अपनी धर्म पत्नी से और एक क्षण का ज्ञान पाकर तुलसीदास जी केवल तुलसी से तुलसीदास बन गए, भगवत नाम में डूब गए, 80 वर्ष की आयु में राम कथा की रचना कर रहे हैं। 80 वर्ष, कहीं पूर्वजों का पुण्य होता है, कहीं पूर्वजों की कृपा होती है, तब जाकर अपने जीवन में, अपने गांव में, परिवार में एक बार राम कथा हो पाती है।
एक बार कुछ पुण्य होगा स्वर्गीय श्री बलराम कुंवर जी अग्रवाल जी का, जो उनके परिवार द्वारा इस राम कथा का आयोजन, समिति द्वारा राम कथा का आयोजन रखा, कुछ पुण्य और वो सहजता का नहीं। बच्चा एक गुल्लक भरता है रुपए डाल डाल कर, और वो गुल्लक भरने के बाद जब फोड़ता है तो कोई बड़ा गिफ्ट लेकर आता है। उसी तरह हमारे पूर्वजों की पुण्य की गुल्लक भराती है, तब जाकर जीवन में एक बार राम कथा हो पाती है। एक बार राम कथा पुण्य की गुल्लक जब भरा है, स्वयं भीष्म पितामह बाणों की सैया पर पड़े हैं, स्वयं भीष्म पितामह भगवान कृष्ण से पूछते हैं, कन्हैया मैंने जितनी एकादशी के व्रत करे शायद ही किसी ने करे होंगे, मैंने जितना दान करा शायद किसी ने करा होगा, मैंने जितना व्रत करा शायद किसी ने करा होगा, मैंने जितना तुम्हारा दर्शन करा शायद ही किसी ने करा होगा, फिर ऐसा कौन सा पाप कर दिया था मैंने जो ये बाणों की सैया पर मुझे पड़ेगा, मैंने करा क्या था, ये मुझे बाणों की सैया मिली क्यों। भगवान कृष्ण का पितामह तुम आज की बात करते हो, तुम्हें तो मैंने नेत्र दे रखे हैं और बड़े विचित्र नेत्र दिए हैं, जिन नेत्रों से तुम अपने 100 जन्म को देख सकते हो, देखो आपने करा क्या था। पितामह कहते मैंने अपने 100 जन्म को देखा तो भी मैंने कोई पाप नहीं करा। बस भगवान कृष्ण कहते हैं पितामह तुम में और मुझ में अंतर यही है, तुम अपने 100 जन्म को देख सकते हो और मैं तुम्हारे आजन्म को देख सकता हूँ। बस तुम में और मुझ में अंतर यही है, मैं तुम्हारे आज जन्म को देख सकता हूँ। ना जाने तुमने कौन सा कर्म करा, अभी देखकर बताता हूँ। 194 नंबर के जन्म पर भीष्म पितामह, एक जन्म नहीं तुम्हारे कई जन्म हो चुके, जब 194 नंबर का तुम्हारा जन्म था तब तुम एक नगर के राजा थे, गंगा स्नान के लिए जा रहे थे, बीच मार्ग में एक बड़ा सा सांप पड़ा था, सैनिकों ने आकर कहा महाराज एक सांप रास्ता नहीं छोड़ रहा, तुमने कहा था उठाकर कोने में पटक दो, उठाओ और कोने में पटको, और तुम्हारे कहने पर वो सांप को उठाकर कोने में पटका, जिस कोने में पटका वहां पर बमूल के कांटे की बेर की झाड़ियां थी, उस बेर की झाड़ी में कांटे थे, उन कांटों में वो सांप फंस गया, तड़पता रहा, निकलने का प्रयास करता रहा पर नहीं निकला। बस भीष्म पितामह वो सांप बेर की झाड़ी में कांटों में पड़ा हुआ तड़प तड़प कर मरा था, इसलिए तुमको पितामह इन कांटों में तड़प तड़प के मरना पड़ेगा, जैसी करनी वैसी भरना, भोगना तो पड़ता है। कई जगह कहते हैं सूपनखा का जब चरित्र राम कथा में आता है तो कहते हैं सूपनखा ऐसी थी सूपनखा वैसी थी, पर अगर सही मायने में अगर ईमानदारी से किसी ने राम कथा अगर सुनी हो तो वो सूपनखा को कभी दोषी नहीं कहेंगे। सूपनखा जैसी तो दुनिया में कोई नारी नहीं होगी, उसके बराबर कोई विद्वान नहीं होगी जो राम जी के सामने जाकर कहती है तुम सम पुरुष न मौसम नारी, तुम्हारे जैसा पुरुष नहीं होगा मेरे जैसी नारी नहीं होगी, और जो राम जी से जाकर कहती है मैं तुम्हारे साथ में विवाह करना चाहता हूं, मैं तुम्हें अपना बनाना चाहती हूँ। आज दुनिया के लोग गाड़ी अपनी बनाना चाहते हैं, बंगला अपना बनाना चाहते हैं, जमीन जायदाद अपना बनाना चाहते हैं, सत्ता अपनी बनाना चाहते हैं, मान सम्मान अपना बनाना चाहते हैं, पर सूपनखा राक्षस कुल में जन्म लेने के बाद भी वो भगवान से जाकर कहती है तुम्हें मैं अपना बनाना चाहती हूँ। अपन तो सूपनखा से भी गए बीते हैं रे नेटोर वालों, अपन तो सूपनखा से भी गए बीते हैं कि दुनिया की वस्तु को अपन ने अपना बनाया पर भगवान को नहीं। कभी एक बार तुमने भगवान के मंदिर में जाकर कहा कि भगवान मैं तुम्हें अपना बनाना चाहती हूँ, सारी दुनिया की वस्तु अपन अपना बनाना चाहते पर राम को अपना बनाना नहीं चाहते, राम अपना हो। और एक बात याद रखिए, लोग कहते हैं धन संभाल के रखिए बुरे वक्त में काम आएगा, सही है कि गलत है। अरे बोलो तो, नेटवर्क के लोग बोलते नहीं है क्या, बोलते हैं तो फिर बोलो अच्छे से बोलो, ऐसे मत बैठो कथा में जैसे किसी ने मार ठोक के बिठाया था, किसी के दबाव में तो नहीं बैठे हो ना। अरे बोलो तो सर,
किसी के दबाव में तो नहीं बैठे हो ना, ऐसे मत बैठना कि किसी ने मार ठोक के बिठाया। तुम्हारी मर्जी पड़े, जितनी देर मन लगे कथा में बैठना, नहीं तो उठ के चले जाना। तुम तो बिल्कुल अलमस्त, चिंता मत करो। ऐसे मत बैठना कि कोई ने मार ठोक के बिठाया तुमको, भले मस्ती में बैठो कथा में। किसी के यहाँ जाओ तो स्माइल देते रहो, भगवान की कथा में भगवान के सामने जाओ तो प्रसन्न रहो। भगवान को भी लगे कि इतनी प्रसन्न है दुनिया में, इतना दुख है इसके बाद भी प्रसन्न है। जा भगवान भी क्या ऐसी प्रसन्न बनी रहे। मालूम पड़े किसी के यहाँ तुम्हारी मौसी के यहाँ गए और मुंह उतार के बैठे रहे, मौसी पूछ रहे क्या हो गया, बोले तो मौसी को भी दुख होगा, काय को आई, इससे तो घर ही अच्छी थी तेरी, काय को। तो भगवान की कथा में प्रसन्न दुनिया के लोग कहते हैं धन पास में रखो, थोड़ा संभाल के रखो। पैसा साथ में रखो, थोड़ा संभाल के रखो, बुरे वक्त में काम आएगा। राम कथा कहती है भगवान का इतना भजन कर लो कि बुरा वक्त ही काय को आएगा। राम का इतना भजन तो करो, जितना धन साथ नहीं देता। धन तुमने जोड़ा पूत सपूत तो की धन संचय, और पूत कपूत तो की धन संचय। बेटा सपूत होगा तो खुद जोड़ लेगा, और बेटा कपूत होगा कितना भी जोड़ कर चले जाओ सब सत्यानाश मिला देगा। तो पूत सपूत तो की धन संचय, क्या क्या कई लोग जोड़ रहे हैं, जोड़ो 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 और आखिरी में छोड़ो, और आखिरी में छोड़ो, और फिर बाद में कुछ नहीं होता। 16 श्राद्ध में एक फोटो टंग जाता घर में, एक छोटा सा फोटो देखा होगा बुढ़े लोगों का। अरे बोलो तो देखा कि नहीं देखा, जो मर जाते हैं उनका फोटो देखा है? जो मरे हुए व्यक्ति का फोटो देखना, कभी भी रोता हुआ फोटो नहीं लगता। वो भले पूरी जिंदगी रोते रोते निकाल देते, पर फोटो जो आखिरी में टंगता उसमें स्माइल देते रहते। आखिरी का जो फोटो होगा वो स्माइल वाला ही होगा, और इस्माइल का फोटो होगा और उनके मुंह में खीर और पूरी चिपकी होगी जो 16 श्राद्ध में चिपकाई होगी, और अम्मा इस्माइल दे रही होगी तो फोटो में खीर पूरी चिपकी। हंसो मती, अपन को भी चिपकेगी, काय को हंसे, सबको चिपकेगी। उनने भी खूब जोड़ा था, आखिरी में यही छोड़ा था, और अपन भी जोड़ेंगे यही छोड़ेंगे, और अपनी जिंदगी अपन सुख से नहीं जी पाते। सही कहते हैं लोग, तूने जो कमाया है वो दूसरा ही खाएगा, तूने जो कमाया है वो दूसरा ही खाएगा। मुट्ठी बांध आया जग में, हाथ पसार, तूने जो कमाया है वो दूसरा। अपन तो खाई नहीं पाते, सुखी कमा कमा के इतने व्यस्त रहे, इंद्रियों का ध्यान नहीं रहा, शुगर की बीमारी हो गई, ब्लड प्रेशर हो गया, पूरे मोहल्ले के लोगों को खिला रहे, पूरे मेहमानों को खिला रहे, खुद एक गुलाब जामुन नहीं खा पा रहे, तो किसके लिए कमा रहे? किस तुलसी तुलसी दास हो गए, तुलसीदास। तुलसी से तुलसीदास बनने में केवल एक क्षण का ज्ञान, मात्र एक क्षण का ज्ञान उनको प्राप्त हो गया, एक क्षण का ज्ञान, और कभी भी मिल सकता, किसी से भी मिल सकता, कहीं पर भी प्राप्त हो सकता। और तुलसीदास जी ने फिर वो विचार कर लिया कि अब ये जो ज्ञान प्राप्त हुआ ये सहज नहीं, अब आशा लग गई राम से मिलन की, अब आशा लग गई भगवान से मिलन। आशा लगी राम से मिलन की, जब आशा लगी तब चित्त वृत्ति में राम समाहित हो गया, और अब धर्म पत्नी ने जो ज्ञान दिया था उस ज्ञान को लेकर चल दिए हैं मुख में भगवान का भजन करते करते। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री
कौशल्या के प्यारे राम दशरथ दुलारे राम, कौशल्या के प्यारे राम दशरथ दुलारे राम, कौशल्या के प्यारे राम दशरथ दुलारे राम, कौशल्या के प्यारे राम दशरथ दुलारे राम। ताली बजाने से पाप निकल जाता, जो नहीं बजाता पड़ोसी का पाप निकल के उसमें भरा जाता, इसलिए ट्रांसफर करते रहो। पड़ोसी जितनी तेज ताली बजाए उससे दुगनी आवाज तुम्हारी आए, तो पड़ोसी का पाप भराएगा नहीं, ट्रांसफर हो जाएगा। जय हो। रामचंद्र भगवान की जय। भगवान राम की कथा कह रहे हैं। तुलसी बाबा 80 वर्ष की आयु में रामचरितमानस को लिखना प्रारंभ कर रहे हैं। 7 कांडों में प्रथम के 7 श्लोक तुलसी बाबा वर्णन कर रहे हैं। श्लोक में तुलसी बाबा रामचरितमानस को प्रारंभ करता है। सबसे पहली रामचरितमानस की रचना किसने करी थी? बोलो 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 है जम के बोलो, आवाज नहीं है। शंकर भगवान, बिल्कुल सही है, जोरदार ताली बजाओ। बिल्कुल सही बोला है माता जी। सबसे पहली रामचरितमानस की रचना भगवान शिव ने करी थी, जिसमें 100 करोड़ श्लोक थे। कितने श्लोक थे? 100 करोड़ श्लोक की रामचरितमानस। एक बार मनुष्य, देवता और राक्षस तीनों शंकर जी के पास पहुंचे और बाबा भोलेनाथ जी से जाकर निवेदन करा, भोलेनाथ जी आपने इतनी बड़ी रामचरितमानस की रचना करी जिसमें 100 करोड़ श्लोक हैं, थोड़ा थोड़ा हमको दे दीजिए। भगवान शंकर ने कहा लेने वाले 3 हैं और मेरे दरवाजे से कोई खाली जाए अच्छा नहीं लगता। शंकर जैसा कोई दयालु नहीं, शंकर जैसा कोई दानी नहीं, शिव जैसा कोई कृपालु नहीं हमारा। तुरंत सबसे सरल देव कौन सा? अरे बोलो तो देव अधिदेव महादेव। सबसे सरल देवता, एक लोटा पानी चढ़ाओ, 3 बार ताली बजाओ, बम बम बोलो राजी, इतना सरल देव है महादेव। इतना शिव जी के पास में 1000 श्लोक रह गए। थोड़ी देर बाद मनुष्य देवता राक्षस फिर आ गए। शंकर जी से कहा प्रभु हमको और श्लोक दे दो। भगवान ने कहा 3300 और ले जाओ। शिव जी के पास 100 श्लोक रह गए। थोड़ी देर बाद मनुष्य देवता राक्षस फिर आ गए। भोलेनाथ शंकर जी ने पूछा क्या हुआ? प्रभु आपके पास में 100 श्लोक है। भगवान ने कहा 33 ले जाओ। शिव जी के पास में मात्र 1 श्लोक रह गया। मात्र 1।
थोड़ी देर बाद मनुष्य देवता राक्षस फिर आ गए। भोलेनाथ शिव जी ने पूछा अब क्या हुआ प्रभु, एक श्लोक आपके पास में। भगवान ने कहा श्लोक एक है, लेने वाले तीन है। तो शंकर जी से पूछा आप विश्राम कैसे करते हैं। शंकर भगवान बोले कंठ पर भरा है विष, दिन भर लेता हूँ राम का नाम, दोनों को मिला दो हो गया विश्राम। दुनिया के लोग आराम करते हैं, मैं विश्राम। आराम और विश्राम दोनों में जमीन और आसमान का अंतर है। अरे बोलो तो सही है कि गलत है। आराम अगर व्यक्ति करता है तो उसमें चिंता लगी रहती है, पर विश्राम जब करता है तो चिंता से मुक्त हो जाता है। चिंता से मुक्त वाले तो बहुत देव है, और देवताओं को महादेव से मिलना है तो पृथ्वी पर आना पड़ेगा। तो भगवान विष्णु बोले मैं पता हूं, पर हर कंकर में मुझे शंकर नजर आता है, तो पांव रखूं तो रखूं कैसे? जिस कंकर पे मैं पांव रखता हूं उसमें शंकर दिखता है, तो क्या करूं मैं? भगवान शंकर बोले ऐसे काम नहीं चलेगा, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं और तुम मुझे नहीं छोड़ोगे, अपन दोनों एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते, तो कुछ ऐसा करो कि पांव का काम ही नहीं है। तो भगवान विष्णु बोले तुम बताओ क्या करूं। शंकर भगवान बोले मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, एक काम करो तुम सांप बन जाओ, सांप के पांव नहीं होते, तुम सर्प बनकर मेरे पास में आओगे तो मैं तुमको एक क्षण के लिए दूर नहीं करूंगा, मेरे से चिपका कर रखूंगा। तो शंकर जी के गले में एक सांप पड़ा रहता है। लोग कहते हैं वो सांप कौन है? राम कथा कर रही है वो सर्प भगवान विष्णु है, जिसको शंकर ने अपने गले में धारण कर। याद रखना मनुष्य की देह जब तक चल रही है समझ लेना उस समय शिव है। हिंदू धर्म में किसी वेद और पुराण का इतना विरोध नहीं हुआ, कितनी शास्त्र का इतना विरोध नहीं हुआ जितना विरोध रामायण का हुआ। और आज भी वो रामायण का जैसा विरोध चल रहा था वैसा राम का आज भी विरोध है। तुम राम कथा सुनो तो लोग तुमसे कहेंगे बताओ ये राम वाला। तुम भगवान की कथा में पहुंचे तो लोग कहेंगे कथा वाला। जैसे पूर्व में तुलसीदास जी द्वारा रचित, वाल्मीकि द्वारा रचित रामचरितमानस का विरोध हुआ था, ब्राह्मणों ने स्वीकार नहीं करा, अवधि भाषा में लिखी। ये अवधि भाषा को यहाँ स्वीकार करेंगे? यहाँ तो संस्कृत की भाषा होना चाहिए, वेदवाणी होना चाहिए, हम उसको स्वीकार नहीं। तो जब स्वीकार नहीं करा तो तुलसीदास जी के सामने प्रसंग आया। ब्राह्मणों ने कहा एक काम करते हैं, शंकर के मंदिर में, काशी विश्वनाथ के मंदिर में इस रामचरितमानस को रखा जाएगा, सारी पुराणों के साथ, सारे वेदों के साथ। अगर ये पुराण रामचरितमानस यदि ऊपर आ जाती है तो प्रथम गिनती में गिनी जाएगी, नहीं तो इसको पानी में गंगा जी में ठंडी कर दी जाएगी। तुलसीदास जी 80 वर्ष की आयु में जिस रामचरितमानस की रचना करे, तुलसीदास जी की आंख में आंसू भर गए महाराज, आंख में आंसू। मैंने जिन पुराण की रचना करी वो पानी नहीं, पर तुलसीदास जी का भरोसा विश्वास बड़ा दृढ़ था। और भरोसो दृढ़ चरणन केरो श्री वल्लभ नक चंद्र छटाबिन सब जग माही, विश्वास प्रखर होना चाहिए। कहा ठीक है ले जाओ करो। और वो रामायण को ले जाकर काशी में विश्वनाथ के मंदिर में रखा, सबसे नीचे रामायण, उसके बाद में सारी पुराणे, फिर वेद शास्त्र सब रखकर ताला लगा दिया। कहते हैं 7 ताले काशी के मंदिर में लगाए गए थे। कितने ताले? 7। काशी विश्वनाथ के मंदिर में 7 ताले लगाए। तुलसीदास जी अपने आश्रम में बैठकर राम गुण गाए। सुबेरे जाकर जब दरवाजा ब्राह्मणों ने खोला, सबसे ऊपर रामचरितमानस रखी मिली थी साहब, सबसे ऊपर रामचरितमानस थी, बाकी के सब नीचे थे। तो ब्राह्मणों ने स्वीकार तो कर लिया, पर ब्राह्मणों का हृदय जल गया कि ये रामायण अवधि भाषा की है, तुलसीदास ने लिखा, इसमें संस्कृत नहीं है, और हिंदी में लिखा तो ये तो कोई भी पढ़ लेगा, गाँव से गाँव का व्यक्ति भी पढ़ लेगा तो विद्वान हो जाएगा, तो प्रखर माना जाएगा। तो फिर करा क्या? क्या इस रामचरितमानस का क्या करें? तो सारे ब्राह्मणों ने मिलकर एक काम करा, कुछ लोगों को बुलाया, कुछ डाकुओं को बुलाया, उच्चिष्ट व्यक्तियों को बुलाया, और बुलाकर कहा इसको उठाओ, रामचरितमानस तुलसीदास जी के कमरे में रखिए, उसको ले जाके पानी में पटक दो या आग लगा, कुछ भी करो पर उसको नष्ट कर। एक बात याद रखो, धर्म की जय हो,
अरे बोलो तो धर्म की, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भाव ना हो, विश्व का। पर धर्म की जब हम जय करने को जाते हैं, धर्म का जब हम प्रचार करने को जाते हैं, सत्कर्म की ओर जब हम अग्रणी होते हैं, भगवान के भजन की ओर हम जब आगे बढ़ते हैं, राम नाम की ओर जब हम आगे बढ़ते हैं, तब जो जो भगवान राम के कर्म में आगे बढ़ेगा उसके पांव को खींच कर पीछे कर देंगे। शुरू से चली राम कथा, भेज दिया गुंडों को, बदमाशों को, वो जैसे पहुंचे रामचरितमानस को चुराने के लिए, उसको जलाने के लिए, नष्ट करने के लिए, तो क्या देखते हैं कि तुलसीदास जी के झोपड़े के ऊपर, कुटिया के ऊपर एक बंदर बैठा। एक बंदर, शायद इसलिए कहते हैं हिंदू धर्म में कि घर घर में रामायण होना चाहिए, भले पढ़ो मत पढ़ो पर घर में रामायण हो। अगर लाल कपड़े में बंधी हुई रामायण तुम्हारे घर में होगी तो तुम्हारे घर की रक्षा हनुमान कर रहा होगा। हनुमान तुम्हारी छत पर मिलेगा, हनुमान बैठा मिलेगा। हमने हनुमान जी को बुलाया, आपने हनुमान जी को बुलाया, पर हनुमान जी से पूछा गया तुम्हें बुलाते हैं तब जाते हो क्या? हनुमान जी कहते हैं नहीं, जहां राम कथा चालू होती है, राम पुराण रखी रहती है, जहां राम कथा रखी रहती है, जहां रामचरितमानस रखी है। हनुमान जी कहते हैं वहां से मैं एक क्षण के लिए नहीं जाता, एक क्षण के लिए दूर नहीं हटता, एक तुलसी का क्यारा। देखा है आप लोग, आपके घर में होगा तुलसी का क्यारा। ये घर में क्यों रखा जाता है, क्यों रखते हैं? राम कथा कहती है, कृष्ण कथा कहती है कि अगर दुनिया में कोई ने हनुमान जी नीचे कूदे, कूदते से जो गदा का प्रहार करा, प्रहार करते लाल पीला करके पूंछड़ी में लपेट लपेट के, ऐसा दो चार जितने आए थे सब पहुंच गए। ब्राह्मण ने पूछा क्यों रे तुम तो आ गए, ये लाल पीले कैसे हो गए? कि वहां पर लाल मुंह का बंदर बैठा था, बस वो बानर ऐसा बैठा, उसने घसीट घसीट के खूब मारा, तो के मारा वो तो चल गया, पर जब घसीटता था तो बड़ा तकलीफ होता था। हनुमान जी मारते कम थे, पूंछ में लपेट के जैसे सिलबट्टे पे चटनी को पीसे ऐसे पीसते जाता थे, और जितनी जगह, अच्छा तुम देखना हड्डी टूट जाए चल जा, चोट लग जाए चल जा, पर जब व्यक्ति गाड़ी से जा रहा है और एकदम फिसल जाए, फिका जाए, और जो जगह जगह से घिसाता है ना, उसकी तकलीफ सबसे ज्यादा होती है। हाथ पैर में जो चोट लगे वो अपनी, पर जो घसाता है ना सब दूर से, वो तकलीफ सबसे, उसकी तकलीफ बड़ी बड़ी। सारे ब्राह्मणों ने सोचा अपन चल कर देखते हैं। ब्राह्मण पहुंचे, देखा ऊपर जैसे ही अंदर प्रवेश कर रहे थे ब्राह्मण, हनुमान जी महाराज ऊपर बैठे हुए थे, श्री हनुमान जी महाराज ऊपर, और हनुमान जी महाराज ऊपर बैठे हुए, ब्राह्मणों ने देखा ये बानर वही है जिसने डाकुओं को मारा था, उन बदमाशों को मारा था, अगर हम गए तो ये हमको भी मारेगा। ब्राह्मण बड़े चतुर थे, एक चांदी की थाली में 56 भोग बनाकर हनुमान जी के लिए रख दिया, बंदर के लिए, कि ये खाएगा तब तक अपन अंदर जाएंगे चुरा लाएंगे। हनुमान जी भी सारे भोगों को त्याग दिए, सब भोग, क्योंकि हनुमान जी को मालूम है मुख मोहे राम नाम, राम सेवा हाथ में, तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ। हनुमान जी को मालूम, हनुमान जी कोई सहज नहीं, हनुमान स्वयं बैठा है। किस किस के यहाँ पर रामायण है, हाथ उठाओ, जिसके घर पे रामायण हाथ उठाई है, सब क्या रख लो, बहुत बढ़िया, धन्यवाद, बहुत बहुत बड़ी प्रसन्नता का विषय है। नेटोर वालों, जो आपके घर में रामचरितमानस विराज रही, बड़ी प्रसन्नता। पहले बेटी की विदाई में, कन्यादान में सामान कुछ देते थे ना देते थे, पर रामचरितमानस जरूर देते थे, यहां भी देते होंगे मालूम होगा आपको। बेटी के कन्यादान में रामायण दी जाती थी पहले, कर कर
भगवत भजन में डूबी रहना, भगवत भजन में तू डूबी रहना। रामचरित मानस देते समय, विदा करते समय बेटी को ज्ञानवर्धक बातों से बेटी को विदा किया जाता था, खूब उपदेश दिए जाते थे बेटी को। आज के जमाने में बेटी के विदाई में धन दौलत दी जाती है, फ्रिज कूलर वॉशिंग मशीन सब कुछ दिया जाता है, पर बेटी को संस्कार नहीं दिए जाते। पहले बेटी को संस्कार देकर विदा करा जाता था, दहेज नहीं। आज के जमाने में दहेज दिया जाता है पर संस्कार नहीं, बहुत अंतर है हमारा, बहुत अंतर। कई लोग कहते हैं समाजों में लड़कियों की कमी हो गई, लड़के ज्यादा हो गए, पर ऐसा नहीं है। भगवान के यहाँ की लेवल बराबर चलती है, बराबर। कमी भगवान ने लड़कियों की नहीं करी है, कमी विचारों की कर दी है। काई की कमी है, जम के बोलो, विचारों की। आज के जमाने में माता पिता लड़कियों को इतना पढ़ा रहे हैं, इतना पढ़ा रहे हैं कि समाज की लड़कियां पढ़ते 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 बाहर निकल जाती हैं, उनकी सोच बदल जाती है और वो समाज के लड़कियों से शादी नहीं कर पाती हैं, दूसरे समाज में जाकर शादी कर लेती हैं। तो हमको लगता है लड़कियों की कमी हो रही है, लड़कियों की कमी नहीं है, लड़कियां उतनी हैं जितनी लड़के हैं। लेवल मेरे राम जी के यहाँ पर कोई लेवल की कमी नहीं, सब बराबर। सोच का अंतर आ गया, बच्चे माता पिता के काम को संभालने लगे, बच्चे बाप के काम को संभालने लगे, पिता के काम को संभालते संभालते बच्चे इसमें काम में लग जाते हैं। लड़कियां पढ़ पढ़ के अव्वल निकलती हुई उनकी सोच प्रबल हो जाती है, फिर वो अपने समाज के लड़कों के साथ में विवाह करना पसंद नहीं करती। केवल सोच का अंतर है, लेवल का नहीं, लेवल वही है, सोच बदल गई। और मेरा निवेदन है इस रामचरितमानस के माध्यम से जनक जैसे ज्ञान हर माता पिता अपनी बेटी को दे। जनक जी ने अपनी बेटी के कन्यादान में कुछ नहीं दिया था, जनक जी ने अपनी बेटी के कन्यादान में अगर दिया था तो केवल संस्कार दिया था। दो बाप किसी के ऐसे नहीं हो सकते, एक सीता जी के ससुर और एक सीता जी के पिता। जानकी माता के पिता ने कन्यादान में संस्कार दिए थे और दशरथ जी ने अपनी बहू की मुंह दिखाई में केवल एक फल दिया था, केवल एक फल। कौशल्या माता ने पायल दी थी, केकई ने शीश महल दिया था। सुमित संवारना है, बच्चों को अव्वल बनाना है तो थोड़ा संस्कारवान बनाना जरूरी है महाराज। बड़े बड़े अंग्रेजी स्कूलों में अंग्रेजी पढ़ा पढ़ा कर बच्चों को भगवान से दूर करा जा रहा, धर्म से दूर करा जा रहा। कई कई स्कूल ऐसे हैं जहां पर हमारे धर्म के अनुकूल नहीं चलाया जा रहा, पर धन्य है भारत की भूमि पर कुछ सरस्वती शिशु विद्या मंदिर जैसे ऐसे कई स्कूल हैं जो कि आज भी राम और कृष्ण के माध्यम से विद्या का अर्जन करा रहे हैं। आज कुछ स्कूल ऐसे भी राज हैं जिससे हिंदू धर्म को आगे बढ़ाया जा सकता है, धर्म और शास्त्रों को। कुछ प्रसंग महाराज जीवन की हो, माता सरस्वती के चरणों को प्रणाम कर कर छंद की देने वाली, वाणी की देने वाली, सारे शब्दों में समाहित होने वाली, हर पुट को प्रफुल्लित करने वाली, ऐसी माता सरस्वती को तुलसी बाबा ने नमन किया है। और बाबा प्रणाम कर कर भगवान गणेश जी महाराज का स्मरण करते हैं। जो सुमिरत सिद्ध हो, जो ही सुमिरत सिद्ध हो, गणनायक कर वर वदन, राम करहूँ अनुग्रह सो, बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। ताली से
भगवान तुलसी बाबा ने भगवान गणेश जी की वंदना करते हुए गणेश बाबा को प्रणाम करते हुए, महाराज जो मेरे मन का संकल्प है, जो मेरे मन के विचार है, जो मेरे मन का आनंद है, वो मैं अपने कलम पर, अपने दवाज पर, इस पुस्तक पर लिख रहा हूं। हो और हे गणेश जी महाराज, अगर आपकी कृपा ना हो तो दुनिया में कोई कार्य सफल नहीं हो सकता। आप कृपा करें। मंगल भवन मंगल हारी, दशरथ आज बिहारी, शीर सागर सयना कुंडली तो सभुदे कुमारा मन करुणायन परमे करहु कृपा मर्दन मयन। ताली से बजा तो बड़े भाव से। तो सुखदेव जी महाराज ने कहा एक काम करो, गणेश जी को बिठा लो। तो गणेश जी को बुलाया गया, गणेश जी को बुलाया, मना नहीं, गणेश जी महाराज से कहो लिखो, पर मेरे श्लोक में कोई गलती होगी उसको छांटना पड़ेगा, फिर लिखना पड़ेगा। तो वेद व्यास जी महाराज हर श्लोक में ऐसी गलती करते थे कि गणेश जी को छांटने में एक महीना लग जाता था, तब जाकर गणेश जी महाराज इसको लिखते थे महाराज। तो यहाँ पर तुलसी बाबा कह रहे हैं, गणेश जी महाराज आपके बिना दुनिया में कोई कार्य सफल नहीं है, इसलिए आप कृपा करो, आप कृपा करोगे तब जाकर कोई कार्य सफल होगा। महाराज आप करुणा ना करें तो कोई कार्य नहीं हो सकता। बहुत गणेश जी की पूजन किसके साथ होती है? दिवाली पे करते हो आप लोग? किसके साथ करते हो? हैं? लक्ष्मी के साथ। अच्छा गणेश जी पुत्र किसके हैं? बेटे किसके कहलाते हैं? पार्वती के। पर पूजन किसके साथ होती है? अरे बोलो जम के, लक्ष्मी के साथ। क्यों होती है? कभी कभी आपके बच्चे भी तो आपसे प्रश्न करते हैं, मम्मी ये गणेश जी तो पार्वती के पुत्र हैं, शंकर जी के पुत्र हैं, फिर इनकी पूजन ये लक्ष्मी जी के साथ, सरस्वती के साथ क्यों होती है? कारण क्या है? उसका क्या कारण है? तो माँ समझाती है, बेटा सुन, एक बार माता लक्ष्मी को बड़ा हिंकार था। होता है किसी किसी व्यक्ति को बड़ा अभिमान रहता है, बहुत हिंकार, मैं बड़ा बड़ा। लक्ष्मी जी को बड़ा इनकार। एक दिन लक्ष्मी जी ने कहा, नारायण मेरे कारण ही ये दुनिया का संचार है, अगर मैं नहीं तो कुछ भी नहीं। भगवान विष्णु कहते हैं, लक्ष्मी किस बात का अभिमान करती है? लक्ष्मी जी कहती है, महाराज मेरी पूर्णता में मनुष्य पूर्ण है, नहीं तो मनुष्य अपूर्ण है। इतने में तो भगवान विष्णु ने कह दिया, अरे ओ लक्ष्मी तू तो खुद पूर्ण नहीं है, तू तो खुद पूर्ण नहीं है, तो खुद अपूर्ण है, और तू कहती है कि मैं पूर्णतम, तू कहे कि पूर्ण। लक्ष्मी जी की आंख में आंसू भर गए, माता लक्ष्मी के नयन में जल भर गए, और मां नयनों में जल भर कर आज भगवान विष्णु से कहती है, तुमने मुझे अपूर्ण कहा,
आपको मालूम है अपूर्ण किसको कहते हैं? भगवान विष्णु कहते हैं मुझे सब मालूम है। लक्ष्मी जी रोते रोते सरस्वती के पास चली गई और माता सरस्वती के पास में जाकर जब रो रही थी, सरस्वती जी ने पूछा क्यों रो रही है, क्या हो गया? सहेली को फोन लगाया होगा, ये बेस्ट फ्रेंड है लक्ष्मी, पार्वती और सरस्वती तीनों, बहुत अच्छी सरस्वती जी तू क्यों रो रही है? सरस्वती ने पूछा, लक्ष्मी जी कहती मेरे पति ने मुझे आज को अपूर्ण कर दिया। अरे तो रोने की क्या बात है, चल पार्वती के चलते। पार्वती क्या गए, माता पार्वती ने पूछा, आज पार्वती पूछ रही है लक्ष्मी तेरा मुंह क्यों उतरा हुआ है, क्या बात है तू आज रो रही है, क्या बात हो गई? सरस्वती ने कहा इसके पति ने आज अपूर्ण कर दिया नारायण। अरे तो इतनी सी बात के लिए रो रही है? पार्वती ने कहा तू इतनी सी बात के लिए रो रही है कि तू अपूर्ण है, ले मैं आज तेरे को पूर्ण कर देती हूं। नारी अपूर्ण जब तक रहती है जब तक कि उसकी गोदी में संतान नहीं होती, गोदी में बच्चा नहीं है तो वो अपूर्ण कही जाती है, अपूर्ण। और लक्ष्मी जी की औलाद नहीं थी, संतान नहीं थी, क्योंकि दधीचि ऋषि की धर्मपत्नी सुवार्ज ने श्राप दिया था, ए नारायण तुम्हारे औलाद नहीं होगी, संतान नहीं होगी। सारे देवी देवताओं के घर में बच्चे हुए पर भगवान विष्णु के यहां संतान नहीं। माता पार्वती ने अपने पुत्र गणेश जी को गोदी में से उठाया, लक्ष्मी की गोद में बिठा दिया, ले आज से मेरा पुत्र तेरा और आज से तू पूर्ण लक्ष्मी, पूर्ण लक्ष्मी। इसलिए आज भी हिंदू धर्म का नियम है दीपावली के दिन नारायण के साथ में लक्ष्मी का पूजन नहीं होता। नारायण के साथ में अगर लक्ष्मी की पूजन होती है तो वो अपूर्ण मानी जाती है, और दिवाली के दिन गणेश जी के साथ अगर लक्ष्मी की पूजन होती है तो वो पूर्ण लक्ष्मी मानी जाती है, पूर्ण लक्ष्मी। इसलिए दीपावली के दिन नारायण लक्ष्मी की पूजन नहीं है, दीपावली के दिन गणेश जी के साथ में लक्ष्मी की पूजन है और साथ में सरस्वती की पूजन। क्यों सरस्वती की पूजन इसलिए कराई क्योंकि माता सरस्वती लक्ष्मी जी को लेकर गई थी माता पार्वती के पास, इसलिए वहां पर लक्ष्मी पूर्ण हो गई, लक्ष्मी की पूर्णता। इसलिए हिंदू धर्म में हमारे शास्त्रों के अनुसार लक्ष्मी जी का पूजन जब जब होता है तब गणेश जी को साथ में बिठाया जाता है, जिससे हमारे घर में अपूर्ण लक्ष्मी नहीं रहे, हमारे घर में अधूरी लक्ष्मी नहीं रहे, हमारे घर में पूर्ण लक्ष्मी रहे, पूर्ण लक्ष्मी। इधर नवतर में करते हैं गणेश जी के साथ लक्ष्मी की पूजन? अरे बोलो तो करते हैं कि नारायण के साथ करते हैं? लक्ष्मी और गणेश का संबंध है, बेटे और मां का संबंध, माता और पुत्र का संबंध के कारण, पूर्णता के कारण लक्ष्मी का पूजन गणेश के महाराज। आज तुलसी बाबा कह रहे हैं आपके आने से, आपके पधारने से मेरे कार्य की सफलता है, इसलिए कहा भगवान गणेश जी महाराज से विनती कर रहे हैं, हे गणेश जी महाराज आप निवेदन है पधारो, मेरी सभा में रस बरसाओ बरसाओ, आओ जी गजानंद आओ, मेरी सभा में रस बरसाओ आओ बरसाओ, आओ गजानंद। बाबा योग के गुरु बाबा रामदेव कहते हैं ताली बजाने से ब्लड प्रेशर बराबर होता है। हमारे संत जो पतंजलि थे उन्होंने अपनी भाषा में लिखा है ताली बजाने से जब हाथ की हथेलियां टकराती हैं नेत्र की ज्योति बढ़ती है, श्रवण शक्ति बढ़ती है और जो नसें चोक हो जाती है वो खुल जाती है। पर ताली अगर घर पे बैठ के बजाओगे तो लोग कहेंगे जब से राम कथा से हो दृष्टि भी अच्छी थी, अंदर गई कन्या, मां से कहा मां बाबा को भूख लगी है कुछ दे दो, कह दे हमारे यहां कुछ नहीं है जा, मना कर दे। कन्या ने जाकर मना करा, जगत गुरु शंकराचार्य जी ने कहा बेटा एक काम करो, अगर कुछ भी नहीं है तुम्हारे यहाँ देने के लिए, तुम कहते हो नहीं है हमारे यहाँ नहीं है, तो एक काम करो झाड़ू लगा कचरा उठाकर दे दीजिए।
उठाइए झाड़ू लगाकर कचरा दो। कन्या ने झाड़ू लगाई, कचरा उठाकर शंकराचार्य जी के पात्र में दे दिया। जगत गुरु शंकराचार्य जी कचरा लेकर चले तो उनके शिष्यों ने कहा, गुरुदेव इस कचरे का करोगे क्या? गुरु जी कहने लगे, ले कचरा उठा के कोने में पटक दिया, कचरे में को कोने में डाल दिया। तो शिष्यों ने कहा, गुरु जी कचरा आप लेकर आए और कचरा पटक दिया, तो लाने से मतलब क्या हुआ, क्यों लेकर आए? जगत गुरु शंकराचार्य जी कहते हैं अपने शिष्यों से, मेरा कचरा लाने का कारण केवल इतना सा था कि वो कन्या जा रही है। काय का गरीब, भगवान किसी को भी गरीब नहीं पैदा करता, करोड़पति बनाकर भेजता है। जो ये आप राम कथा सुन रहे हो नहटोर वालों, ये तुम्हारे किस्मत कितनी प्रबल होगी। केवल ये कथा जजमान परिवार करा रहे हैं, अग्रवाल परिवार करा रहे हो, या स्कूल करा रहा हो, या समिति करा रही हो, वो अपनी जगह पर है। पर इनसे ज्यादा किस्मत वाले हो आप सब जो सुन रहे हो, श्रवण कर रहे हो। आपके पूर्वजों ने जरूर कोई पुण्य करा होगा, आपकी पुण्य की गुल्लक भराई होगी, इसलिए आप राम कथा में आकर बैठे हुए हो। ये आपका पुण्य प्रबल है, आपकी किस्मत प्रबल है, भाग्य प्रबल, बड़े भाग्यशाली महाराज। जो राम की कथा में पहुंच गया, राम उसके दरवाजे पर पहुंच गया। राम कथा आपका निमंत्रण है, भगवान राम को बुलाने राम। तो संत रूपी समुद्र को जानना बहुत कठिन है। दूसरे नंबर पर है भगवंत रूपी समुद्र, जो भगवान की भक्ति में डूबे हुए संत तुकाराम, मीरा, कर्मा, नामदेव, ध्रुव, प्रहलाद। शास्त्र कहता है, लोग कहते हैं कि भगवान कहाँ है, क्या कलयुग में भगवान है? क्यों नहीं है? मीराबाई कलयुग की थी, रामकृष्ण परमहंस कलयुग के थे, चैतन्य महाप्रभु कलयुग के थे, श्रीमद् वल्लभाचार्य जी कलयुग के थे, संत तुकाराम कलयुग के थे, नामदेव जी कलयुग के थे। ऐसा कोई संत बता दो जो कलयुग का नहीं था, कलयुग के भगवान। यही तो कलयुग में भक्तों को दर्शन दिया। राष्ट्र के चार संत ऐसे हुए जिनका शव नहीं मिला, जिनकी बॉडी नहीं मिली, जिनका अंतिम संस्कार नहीं मिला। भारत की भूमि के चार संत ऐसे हैं जिनका शव नहीं मिला, जिनकी बॉडी नहीं मिली, जिनका अंतिम संस्कार नहीं हुआ, जिनकी समाधि नहीं बनी। पहले नंबर पर थी मीराबाई, यही कलिकाल की, यही कलयुग की मीरा। भारत की भूमि की पहली संत मीराबाई, जिसका शव नहीं मिला, जिसकी बॉडी नहीं मिली, जिसका अंतिम संस्कार नहीं हुआ। गांव के लोग लेने के लिए गए, मीराबाई चल। मीराबाई ने द्वारकाधीश से कहा, द्वारकानाथ मेरे गांव के लोगों ने मुझे धक्के मारकर निकाला था, मैं वापस नहीं जाना चाहती हूँ। भगवान ने मीराबाई से कहा, चिंता मत कर, सुबेरे मंगला में जब दर्शन खुलेगा तो मेरी मूर्ति से आकर चिपक जाना। जैसी मंदिर खुला, मीराबाई अंदर प्रवेश कर गई और भगवान की मूरत से जाकर चिपक गई। जैसी चिपकी, भगवान का नीचे का हाथ बीच में से चटक गया और मीरा उसमें समा गई। मीरा उसमें समा गई। आज भी द्वारकापुरी में दर्शन करने जाओगे तो द्वारकाधीश की मूर्ति का नीचे का हाथ आज भी चटका हुआ है, जिसमें मीराबाई समाई। मीरा की बॉडी नहीं मिली, अंतिम संस्कार नहीं हुआ, शव नहीं मिला, समाधि नहीं बनी। दूसरे नंबर पर थे संत तुकाराम, जो हरि विठल में समा गए, पांडुरंगा हरि विठल में विठल नाथ का भजन कर समा गए। उनका शव नहीं मिला, उनकी बॉडी नहीं मिली, उनका अंतिम संस्कार नहीं हुआ, उनकी समाधि नहीं बनी। तीसरे नंबर पर थे चैतन्य महाप्रभु, जो जगन्नाथ में समा गए, इनकी अंतिम संस्कार नहीं हुआ, इनकी समाधि नहीं बनी। चौथे नंबर पर थे रामकृष्ण परमहंस, रामकृष्ण परमहंस स्वामी विवेकानंद के गुरु, और स्वामी विवेकानंद हमेशा कहते थे, गुरुदेव आपको बहुत बड़ी बीमारी हो गई, कैंसर के रोग में आप ग्रसित हो गए, आपको कैंसर हो गया। गुरु जी माँ आती है शारदा भवानी जगदम्बा, आपसे भी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं। रामा तेरे को बहुत बड़ी बीमारी हो गई है, मांग ले, तुझे कुछ चाहिए हो तो। माँ कुछ भी नहीं। स्वामी विवेकानंद कह रहे थे कि कैंसर जैसा रोग हो गया, मांग ले। रामा कहते हैं, माँ कुछ देना चाहती हो? हाँ, इतना जरूर करना, जब मेरे प्राण छूटे तेरी गोद मिल जाए, और कुछ भी नहीं चाहिए। जगत
जगदम्बा शारदा भवानी की आंख से अश्रु बह गए। रामा ने पूछा रामकृष्ण परमहंस जी ने, मां आप रो रही हो? शारदा भवानी कहती है, रामा तेरे जैसे भगत बहुत कम मिलते हैं, कोई दूसरा होता तो बहुत कुछ मांग, तूने कुछ नहीं मांगा। माँ मांगा तो जब मेरे प्राण छूटे आपकी गोद मिले। भारत की भूमि के चौथे संत थे रामकृष्ण परमहंस, जिस समय प्राण छूटे थे माँ जगत जननी की गोद में बैठे थे। उनकी बॉडी नहीं मिली, शव नहीं मिला, अंतिम संस्कार नहीं हुआ, समाधि नहीं बनी, रामकृष्ण परमहंस जगदम्बा में समा गए, शारदा भवानी में समा गए।